सब्सक्राइब कीजिए TechG99 चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे Realme 3 Pro का जो इस महीने का अपडेट है, यहाँ पे मार्च का अपडेट यहाँ पे Realme 3 Pro पे आ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस अपडेट पर क्या क्या नए फीचर्स मिल रहा है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपडेट का साइज के बारे में बात किया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट का साइज है यहाँ पे 292 MB दोस्तों, और इसका वर्षन की बात किया है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे C15 वर्षन है दोस्तों। तो इसका जो प्रीवियस वर्षन था दोस्तों, यहाँ पे C14 था। मैं यहाँ पे आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे अबाउट फोन में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस वर्षन था यहाँ पे C14 था दोस्तों। तो अभी जो वर्षन आया है यहाँ पे C15 है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये अपडेट मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको इसका जो नया फीचर्स है वो दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो रिसेंट जो यहाँ पे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है वो मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग्स में कुछ चेंजेस किया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्टिमाइज द स्विच लॉजिक ऑफ कंट्रोल सेंटर। तो दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में कुछ चेंजेस किया गया है यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक रिस्टोरिंग टू डिफॉल्ट रिंगटोन इशू इन कॉल रिंगटोन। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ रियलमी यूजर को प्रॉब्लम हो रहा था कि यहाँ पे जो रिंगटोन है यहाँ पे कुछ देर के बाद, यहाँ पे अगर आप किसी रिंगटोन को सेट करते थे तो कुछ देर के बाद यहाँ पे डिफॉल्ट रिंगटोन में आ जाता था। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम अभी फिक्स हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक वॉइस फेलियर इशू इन पबजी। तो दोस्तों, यहाँ पे पबजी में जो वॉइस फेलियर इशू था वो भी अभी फिक्स हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे सिस्टम में कुछ बग्स थे वो यहाँ पे सिस्टम स्टेबिलिटी को थोड़ा इंप्रूव किया गया है। तो फिलहाल ये सारे चेंजेस ही हुआ है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे फटाफट अपडेट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस पर क्या क्या चेंजेस हुआ है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जो चेंजेस हुआ है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इस अपडेट में तो फिलहाल उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है, यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में जो फ्रंट साइज है थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज हुआ है दोस्तों, बहुत ही माइनर सा चेंज है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे पहले कैसा था और अब कैसा बना है, आप थोड़ा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सिक्योरिटी पैच देख सकते हैं, यहाँ पे मार्च 5 का सिक्योरिटी पैच हो चुका है जो इस महीने का ही है। तो ये लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच आपको मिल रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे जो वर्शन है वो यहाँ पे चेंजेस हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं C15 हो चुका है वर्शन, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे C15 हो चुका है वर्शन। तो फिलहाल तो ये सारे चेंजेस ही यहाँ पे हुए हैं दोस्तों इस अपडेट में। और दोस्तों, यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम था यहाँ पे आपको रिंगटोन वगैरह और पबजी को लगे यहाँ पे वो भी फिक्स हो चुका है दोस्तों। और दोस्तों, ये अपडेट आपको अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तों, यहाँ पे आप 5 to 6 days यहाँ पे वेट कर लीजिए, आपको ये अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सेकेंड चैनल भी है, उस चैनल में आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट का जरूरत है दोस्तों। तो उस चैनल का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे विजिट कीजिए। आपको अगर पसंद आता है तो उसे भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।